हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं सिंगोनियम के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। फ्रेंड्स, सिंगोनियम एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो आउटडोर में तो चलता ही है, लेकिन इंडोर में बहुत ही अच्छे से चलता है। जैसे मनी प्लांट को हम पानी में रखते हैं, इसको भी पानी में भी आराम से रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए, 1 या 2 घंटे की धूप में आसानी से चल जाता है और कम केयर में, कम मेंटेनेंस में ये चलता है। तो आइए सिंगोनियम के केयर और प्रोपेगेशन के बारे में कुछ बातें करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे पास करीब करीब 5-6 पौधे सिंगोनियम के हैं जो अलग अलग वेराइटी की हैं और अलग अलग लीव्स स्ट्रक्चर के हैं। सिंगोनियम को एरोहेड के नाम से भी जाना जाता है और लीव्स में इसके कई तरह के वेरिएशन और शेप एंड साइज के कारण इसकी वैरायटी अलग अलग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं सिंगोनियम के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और अपने घर के सिंगोनियम को भी दिखलाऊंगी। मैं कैसे देखभाल करती हूँ, कैसे रखती हूँ, ये भी बताऊंगी। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो मेरी जरा से भी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि 1 लाइक से मेरी रीच बढ़ती है वीडियो की। और अपने गार्डनिंग रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मेरे पास कैसे कैसे सिंगोनियम है। मेरे पास 5-6 तरह के सिंगोनियम है। 2 तो बड़े पत्तों वाला है। बड़े पत्ते वालों में से एक ये वाइट कलर का वेरिएशन है, जिसमें उसकी लीव्स लाइट ग्रीन की कलर की है। शुरुआत में लाइट ग्रीन निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे वाइट होती चली जाती है। और दूसरा एक पिंक सिंगोनियम है, जो कि पहले शुरुआत में बेबी लीव्स जो निकलती हैं वो पिंक होती हैं और बाद में धीरे धीरे होते होते ग्रीन हो जाती हैं। ये दोनों बड़े पत्तों वाली, ये देखिए, ये मैंने इंडोर रखा था छोटे से पॉट में और इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाती है। इसके जो नोड एरिया है उसमें रूट्स निकलती रहती हैं, तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। वहाँ से नोड एरिया के पास से अगर काट के हम लगा लें तो नया प्लांट बन जाता है। ये देखिए, पिंक सिंगोनियम को भी मैंने की कटिंग लगाई है, मेरे कई सारे प्लांट इससे बन गए हैं। इसकी मिट्टी की बात करूँ तो जैसे कि सभी पौधों की मिट्टी पोरस होनी चाहिए, इसकी भी मिट्टी वैसी होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी इसमें ठहरे नहीं। मॉइस्चर तो इसको बहुत पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी इसको पसंद नहीं है। इसको मिस्टिंग करने से इसके फायदे अच्छे होते हैं। इसको मिस्टिंग करना भी बहुत पसंद होता है। ये देखिए मेरे कई सारे प्लांट्स। मेरे पास 2 मिनिएचर वैरायटी है जो कि मैं बालकोनी में लगाती हूँ। एक ये ग्रीन कलर की वैरायटी है और इसमें क्रीम कलर की वेंस है, वेंस का कलर इसमें क्रीम है। इसको मैं हमेशा इंडोर ही रखती हूँ। तो इसमें देखिए कुछ इसके पत्ते लैगी हो गए हैं। इंडोर रखने का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि पत्ते इसकी ब्रांचेस लैगी हो जाती हैं। जैसे देखिए, इसमें भी फुटाव लंबे हो गए हैं और उसमें रूट बन रही है। तो इसको अगर यहाँ से कटिंग कर देंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। इसको भी मैं इंडोर रखती हूँ। इंडोर अगर हम रखते हैं तो उसमें मनी प्लांट के जैसे लताएं निकलने लगती हैं। इसमें भी देखिए एक लता निकली है, स्टेम निकल गई है लंबी सी। तो इंडोर का यही एक डिमेरिट है। और ये देखिए एक नया प्लांट बन गया है, जहाँ रूट इसकी ब्रांच इसकी छुएगी वहाँ पर रूट बन जाता है और नया प्लांट बन जाता है। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब हम इसको लगाते हैं तो कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला के लगाते हैं तो वही इसके लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ है एक एरोहेड। ये इसकी पत्तियाँ नुकीली और लंबी होती हैं। इसमें भी ग्रीन में वाइट का
वेरिगेशन है और बहुत ज़्यादा घना हो गया है ये पौधा और बहुत ही खूबसूरती ऐड कर रहा है गार्डन में। तो हैंगिंग प्लांटर में, हैंगिंग बास्केट में भी लगाने के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। अब देखिए कुछ लैगी हुई पौधे तो मैंने हटा के दूसरे कटिंग लगा ली थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। ये मैंने बोतल में लगाया है पानी में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत हार्डी है। ये मनी प्लांट के जैसा ही चलता है और ग्रोथ इसकी बनी रहती है, रूट्स भी इसमें निकलते रहते हैं। तो मैं आज इनको देखिए मैं कट कर रही हूँ, नीचे के लैगी ब्रांचेस तो नहीं कट करूँगी लेकिन लीव्स ज़रूर कट करूँगी, जो पुराने लीव्स हैं नीचे वाले, इससे पौधा और अच्छा ग्रोथ करेगा। तो सारी पत्तियों को जो नीचे लटक रही हैं उनको मैं काट लूँगी और इस तरह से पौधा मेरा और बूशी और खूबसूरत हो जाएगा। ये पौधा मैंने काफ़ी दिन इंडोर में रख लिया था इसलिए इसके ब्रांचेस काफ़ी लैगी लैगी हो गए हैं और गिरे पड़े जा रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे पत्ते मैं हटा दूंगी नीचे से, क्योंकि इससे पौधा अच्छा दिखेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो पौधे इसके इसकी पत्तियां भी देखिए कितनी लैगी लैगी हो गई है, लंबी लंबी ब्रांचेज निकल रही हैं। तो कभी करीब करीब 1-2 महीने तक मैंने अंदर इंडोर लगातार रख लिया था, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंडोर रखना है तो बीच बीच में 10 दिन पर 1-2 दिन बाहर की हवा और धूप भी इनको जरूरी हो जाता है, तो आप बाहर भी निकालें और इसको हवा और धूप की भी ज़रूरत होती है। और इस ये काफ़ी कम केयर में चलने वाला पौधा है ये, इसलिए बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी ही अच्छा है। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं मांगता, ये इसको फिर करीब करीब 6 महीने पर एक बार एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए और फॉलियज स्प्रे कीजिए इसके पत्तों पर, सीवीड एक्सट्रैक्ट का, और पानी की मिस्टिंग तो करिए ही, सिंपल जनरल पानी की, पानी से तो सारे पौधे खुश होते हैं। ये देखिए मैंने इसकी भी कुछ लीव्स काटे हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत, इसको मैंने इंडोर में नहीं रखा लेकिन फिर भी नीचे के पत्तियां मैं काट रही हूँ ताकि पौधा काफ़ी अच्छा हो जाए। ये पौधा मेरा बहुत ही खूबसूरत है, वाइट वेरिगेशन वाला, लाइट कलर की पत्तियाँ इसकी होती हैं और एरोहेड तो इसका, इसकी पत्तियों के नाम, पत्तियों के शेप के कारण कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ आगे की तरफ नुकीली होती हैं। और ये छोटा वाला जो है मेरा सिंगोनियम, इसमें इसके वेंस जो हैं रेड कलर के हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और एक मिनिएचर है, जो मिनिएचर मेरे यहाँ हर बार मर ही जाता है, पता नहीं क्यों, शायद फंगस लग जाता है या कुछ और। ये देखिए मैंने दूसरी बार लगाया है, एक बार तो मेरा पौधा चोरी हो गया और दूसरी बार देखिए ग्रोथ अच्छी नहीं है। और इस तरह से मैंने बोतल में लगाया है, काफ़ी दिनों तक बोतल में सर्वाइव करता रहता है, तो इसको भी धूप की ज़रूरत होती है इसलिए ब्राइट लाइट के पास ही इसको रखें। तो इस तरह से मैंने सबको सारे पत्तों को काट लिया है और मैं एक लकड़ी के सहारे या वो जो कुछ लकड़ी के सहारे बांध दूंगी ताकि इधर उधर नहीं गिरे पड़े। और तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नए, अगर इस चैनल में नए हो तो। ओके बाय बाय माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।